नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एबीपी न्यूज में छपी खबर के मुताबिक अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें करीब 254 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जबकि करीब 100 आतंकियों के घायल होने की खबर है। तालिबान के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। अफगान की सेना ने 24 घंटे के अंदर काबुल, कंदार, कुंदुज, हेरात, हेलमंद और गजनी समेत आतंकियों के 13 ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में लदी एक गाड़ी को उड़ा दिया गया। इस दौरान अफगानी सेना ने 13 IED भी डिफ्यूज किए हैं। शनिवार को वायुसेना के कंधार के एक इलाके में तालिबानी आतंकियों के बंकरों को निशाना बनाया गया था। इस कार्रवाई में 10 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। हाल के दिनों में अफगानिस्तान में हिंसा के मामलों में तेजी आई है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच अफगानिस्तान में पिछले कुछ सप्ताह में कई आतंकी हमले हुए। तालिबान ने हाल ही के समय में काफी भूभाग पर कब्जा कर लिया है। कई पड़ोसी देशों के साथ लगती सीमाओं पर भी उनके प्रभुत्व कायम कर लिए गए और कई प्रांतीय राजधानियों पर उसके कब्जे करने का खतरा भी बना हुआ है। अमेरिकी नाटो सैनिकों की वापसी का 95% काम पूरा हो गया और 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से उनकी पूर्ण वापसी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले 6 महीने में अफगानिस्तान में हिंसा के दौरान मारे गए और जख्मी हुए नागरिकों की संख्या में पिछले एक साल इसी अवधि की तुलना में 47% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट स्पष्ट चेतावनी देती है कि अगर हिंसा पर लगाम नहीं कसी गई तो इस साल काफ़ी संख्या में अफगान नागरिक मारे जाएंगे और जख्मी भी होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।